देखिए, हमारा टारगेट है कि डोमेन को डिटरमाइन करना, डोमेन प्रोपोजिशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब थोड़ी सी पहले वाले कंपेरिजन में, ठीक है, इसके पहले जितने भी हमने डोमेन से रिलेटेड वीडियो में दिखाए हैं, बनाए हैं, वो सब आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार कुछ इस टाइप का है कि एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे कि ये हमारा टारगेट है कि डोमेन डिटरमाइन करना है, क्लियर, कि यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर है। एकदम देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टारगेट हमने क्या बताया, या तो अंदर से बाहर चलो या बाहर से अंदर जाओ। हमारा टारगेट क्या है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे एफ ऑफ एक्स क्या हो डिफाइन हो, दैट इज डोमेन। नहीं, एक्स की वो वैल्यू देखना है जिस पे एफ ऑफ एक्स क्या हो डिफाइन हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप का दिख रहा है, नहीं तो हमको क्या देखना है, हमें सबका पहले सबका देखना है कि ये फंक्शन क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, सबसे बात करेंगे और फिर बाद में हम सबको क्या करेंगे, सबका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन से हमसे हमको क्या मिल जाएगा कि किस वो कौन सी एक्स की एक्स का कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसपे ये पूरे जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर वाट एवर जो भी है वो सभी सेटिस्फाई हैं, वही क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक है, सिंपल। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं, ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन देख के तबीयत खराब करनी, नहीं, सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप। अगर सिर्फ ये होता, अगर ये पूरे को अंडर रूट ऑफ समथिंग है, नहीं तो पहले क्या बनेगा, देखो इसको दो तीन पार्ट में ब्रेक कर दो, कभी भी दिक्कत हो ना तो ब्रेक कर दो। पहला क्या है कि अगर इसके अंदर अंडर रूट में कोई भी चीज होती है, जैसे आप अगर ऐसे एफ ऑफ जी एक्स है, एफ एक्स लिखा है, ये तो कोई दिक्कत, अगर जी एक्स है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, कहते हैं कि जी एक्स क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से, नहीं तभी वो डिफाइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे जी एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस अंडर रूट समथिंग, ये क्या होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा, तो कैसे भाई यहाँ से निकल के आया। अब एक चीज़ और, हमको तो एक चीज़ पता है कि जो अंडर रूट में होता है, ठीक है, जो भी अंडर रूट में होगा वो रियल नंबर देता है, वो हमेशा रियल वैल्यू देगा, तभी तो पॉसिबल है वो हमेशा एक रियल वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, नहीं ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ना ऑलवेज, अंडर रूट वाला, अंडर रूट वाला जो भी होगा यहाँ पे जो भी है, जो जी इसके अंदर इसको पी एक्स लिख सकते हो, कि जो पी एक्स होगा वो ऑलवेज कैसी वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 से ज़्यादा ही होगी। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि इसको हम कह सकते हैं कि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं इतना तो कह सकते हो कि ये वैल्यू फिक्स हो गई कि एक्स जो है, यहाँ से एक चीज़ तो मिल गई, दूसरा क्या मिल सकता है, नहीं यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आ गई कि एक्स ये वैल्यू चूंकि ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी अंडर रूट में है तो अंडर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि एक्स क्या हो गया कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0 से इन्फिनिटिव, आंख बंद करके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली, नहीं कि आप कह सकते हो कि ये चीज़ तो ठीक है सर। अच्छा, जब ये चीज़ होगी क्लियर है तो एक और चीज़ कर सकते हैं कि अब जब हमने बताया था कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है अंडर रूट के अंदर, हमें जब भी इक्वलिटी में जैसे पी इज ग्रेटर देन क्यू है और ये क्लियर हो जाए कि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही देगा, तब स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर ग्रेटर या इक्वल टू जो भी है तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर जब तक ये श्योरिटी ना हो जाए कि अगर हम दोनों ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो जा क्लियर है कि यहाँ ये पॉजिटिव ही होगा, मतलब तभी आप जब स्क्वायर करोगे तो इक्वलिटी पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, अदरवाइज इक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ से एक और चीज़ निकल गई, एक चीज़ तो यहाँ से नहीं बल्कि यहीं से दो चीज़ निकल गई, एक तो एक्स के बारे में ये बात हो गई कि एक्स क्लियर हो गया कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, और दूसरा दूसरा कि जब
ये ग्रेटर, ये पी जो, चूंकि पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - x² है, चूंकि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो इस वजह से जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - x², तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या मिल सकता है इसके, सॉरी इक्वल टू 1। अब यहाँ से x² 1/2, अब यहाँ से एक और चीज़ इसको ऐसे लिख सकते हो 1/(like this one) और यहाँ पे ऐसा तो कर ही सकते हो, नहीं इसको इस साइड लाओ, अगर दिक्कत हो रही किसी को कि सर ऐसे तो कैसे, तो x² इसको 1/(√2) का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से a² - b² क्या होता है, आप एकदम सिंपल वे में चल रहे हैं, जितना सिंपलेस्ट वे में हो सकता है, हम एकदम नट बोल्ट इसका ढीला करके, इससे इजी नहीं बन सकता कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जो कुछ भी नहीं समझ में आता गो टू द बेसिक, तरीके बहुत हैं लेकिन हम एकदम आपको दिमाग लगाने की जरूरत, हम चाहते हैं कि आप एकदम कम से कम दिमाग लगाओ। ठीक है, हमने क्या मेथड ऑफ इंटरवल बताया था, ये चीज दिस वन। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा डॉट बनेगा, यहाँ पे डॉट वाला बनेगा न कि, ठीक है 1/√2, एक बनेगा 1 - 1/√2 और यहाँ पे 1/√2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इतना कर सकते थे। दूसरी चीज कौन सा वाला पोर्शन होगा, इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये, तो अगर जब इससे बात करोगे इसके हेल्प से ये मिला, तो हमको एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा माइनस इन्फिनिटिव से -1/√2, पहले जो समझ में आ रहा है उसको करते जाओ। ठीक है, इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, या तो इसमें होगा या तो इस पार्ट में होगा, 1/√2 से इन्फिनिटिव, अभी की दिमाग में और आ रहा होगा कि सर ये तो मिला इससे, लेकिन अभी एक एक्स आपने और निकाला है, कि एक्स के बारे में बोला है कि आप कहाँ से कहाँ गए, कहाँ गए जी, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप इन दोनों के हेल्प से इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, भाई एक्स की वो वैल्यू हम लेंगे ना जो दोनों, जिस पे दोनों कायम हो, ठीक है, जिस पे ये दोनों ही कायम हो वही वैल्यू लेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से, सेकंड कंडीशन की तो बात अलग है, पहले फर्स्ट कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये भी कंडीशन निकालने के बाद लास्ट में क्या करो, सबका इंटरसेक्शन ले लो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी इट इज़ रहने देते हैं, तो इसको एक इक्वेशन, इसको दो, ठीक है, और अब तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी, अब यहाँ पे देखो फिर से, तो इससे जब अंडर रूट से पूछा कि इस अंडर रूट ने इन सबसे पूछा, तो इन्होंने बोला कि सर हमको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके बेस पे हम एक्स की वैल्यू मिल गई दो। फिर अब जब अंदर जाएंगे, अब एक और बैठा है, इस एक्स के बारे में इस एक्स से पूछिए, देखो पहले तो यहाँ से एक मिल गया चीज कि ठीक है, अब इस एक्स से पूछेंगे तो वो भी क्लियर है कि ये तो जो भी वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, जब इससे पूछेंगे कि √1 - x² जो है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो कहेगा सर हमें क्या होना चाहिए, आंख बंद करके इससे होना चाहिए, दूसरा माइनस प्लस, तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो x² - 1 इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे x - 1 और x+1, ये क्या है <0, इसका इंटरवल बनाओगे तो 1 - 1, यहाँ डॉट -1 1, प्लस माइनस प्लस, ये बोला <0, इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे -1 से +1। अब हमको क्या देखना है, एक तो यहाँ से मिल गया, ठीक है, एक्स 1, 2, 3, अब इन तीनों के हेल्प से क्या देखोगे इन तीनों के हेल्प से बात करेंगे कि जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब कि वो एक्स की वैल्यू जो सभी के सभी पार्ट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो फिर से ये बोल रहा है
तो सब पहले तो ये प्लॉट माइनस वन, ये वन प्लस वन, यहाँ पे डॉट याद रखना है, डॉट ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, वन बाई रूट टू और ये क्या है, सॉरी माइनस वन बाई रूट टू है और ये क्या है, वन बाई रूट टू है, ठीक है, माइनस वन बाई रूट टू इधर कहीं होगा, ठीक है, ये भी वन बाई रूट टू, ये भी कहीं इधर कहीं होगा, और डॉट है तो डॉट, और इनके करस्पॉन्डिंग ये जीरो है तो जीरो को भी बना दो यहाँ पे, जीरो के आगे हाँ तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। पहले जीरो वाले से पूछते हैं, जीरो वाले पहले वाले से पूछते हैं, ये बोला है जीरो से इन्फिनिटिव, तो ये बोल रहा है कि जीरो से इन्फिनिटिव का मतलब ये हो गया कि हमको तो इस वाले पार्ट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। दूसरा बोला है ये वाला कि माइनस हमको इस वाले पार्ट से मतलब या तो इधर हो या तो इधर हो, ठीक है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं कहाँ पे नेक्स्ट, ये कह रहा है कि माइनस वन से प्लस वन के बीच में, माइनस वन से प्लस वन के बीच में मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा जो सबके सबको क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो हमको कौन सा मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, तो x की वैल्यू मिल गई फाइनली वन बाई रूट टू और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे वन, क्लियर। तो डोमेन आप क्या बोल सकते हैं, यही डोमेन है, दैट इज डोमेन इज क्लोज इंटरवल वन बाई रूट टू से वन, दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। तो करना क्या था, सबसे पहले हमने क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप फोकस करो, पहले इसको भूल जाओ, ये बोला कि जो भी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जैसे ही ग्रेटर देन जीरो आया, एक्चुअली क्या आते हैं यहाँ पे हर पॉइंट पे आपको सोचना है, ये नहीं कि आँख बंद करके शुरू हो जाओ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो और सोचते हुए चलो, रटना नहीं, ठीक है। पहले करना क्या है, एक तो यहाँ प्रॉब्लम है और दूसरे यहाँ पे, तो इसके हेल्प से ये मिल गया, इसके हेल्प से ये मिल गया, यहाँ पे पॉइंट टू भी नोटेड है, कुछ लोगों को माइंड में आया कि सर ये वाला निकालो, इसको छोड़ दो, इसको किसी ने उन्होंने छोड़ दिया होगा, तो जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है कि आंसर सही आ जाए, ठीक है, कभी कभी क्या होता है आंसर सही आ जाए, हो सकता है वो पार्ट उसमें इन्वॉल्व भी ना हो पाए, नहीं वो सबके लिए, लेकिन एक भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, बना लो इसको जिससे इफेक्ट ना पड़े अदर सिस्टम पे, वन बाय वन बनाओ इसको। चलिए हमारा टारगेट है ये डोमेन आपकी बार निकालना है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो पहली बात ये क्या है, ऊपर जी एक्स है तो नीचे पी एक्स है, कुछ फंक्शन मान सकते हैं कि लाइक ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं अब जो कुछ भी नहीं समझ में आया, तो हमने क्या बोला था, सबसे पहला टारगेट दोनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग क्या, एक्स माइनस थ्री के बारे में क्या ख्याल है, और अंडर रूट नाइन एक्स स्क्वायर दो हैं। अब ये बताइए ये क्या है, इसके बारे में ये है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो उसकी कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, न कि इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो एक चीज़, दूसरी चीज कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन जीरो कर सकते हैं, तो एक्स माइनस थ्री और ये बनेगा एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं माइनस थ्री से प्लस थ्री, अगर दिक्कत हो रही है तो बना लो, यहाँ पे देखो थ्री सॉरी माइनस थ्री और ये हो गया थ्री, ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में, एक तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ये क्या बोलता है, देखो अगर सिर्फ ये होता तो इस फंक्शन के बारे में क्या लेकर आते, कि जो भी फंक्शन है वो कहाँ से डिफाइन होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आँख बंद करके यही बोलते हैं ना,
कि अगर सर मान लो कोई जी एक्स फंक्शन है तो उसको ऐसे बोल सकते हो, लेकिन समस्या ये है ये क्या है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस इनवर्स से प्लस इनवर्स तो छोड़ो, वन से माइनस वन के बीच में ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, ठीक है, उससे ज़्यादा इसके अंदर वाली ये जो आप लिखोगे ना एक्स माइनस थ्री, ठीक है, वो वन से माइनस वन के बीच में ही रहेगा, नहीं साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें, यहाँ माइनस थ्री है तो दोनों साइड प्लस थ्री ऐड कर दो, तो माइनस वन प्लस थ्री, और यहाँ पे एक सेकेंड प्लस थ्री ऐड किया तो यहाँ पे मिला फोर, ये क्या हो गया टू ग्रेटर देन एक्स लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही बना, अब आप कहोगे कि सर टू से फोर के बीच में, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो टू से फोर, टू से फोर के बीच में ना अगर इंटरवल बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे टू से फोर है तो यहाँ डॉट, यहाँ पे डॉट, ये टू ये फोर, तो ये बनेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इन्हीं के बीच में, तो आप ऐसे लिख दोगे इसको, ठीक है। अब हमको इससे ये मिला और इससे ये मिला तो यहाँ पे डॉट बनेगा, अब क्या करना है इंटरसेक्शन दोनों का, क्यों, क्योंकि हमको एक्स की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को क्या करे सेटिस्फाई करे, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा टू, यहाँ पे फोर, यहाँ पे कहीं होगा थ्री, यहाँ पे बना लो ये गोला, ठीक है, क्यों वाइट बॉल, और ये क्या है माइनस थ्री, इधर कहीं होगा माइनस थ्री, ठीक है, टू से फोर, तो टू से फोर ये हो गया, माइनस थ्री से थ्री ये हो गया, किस पे दोनों पार्ट दोनों एग्री हैं वो है टू से थ्री के बीच में, तो आप कहोगे कि एक्स की वैल्यू जो होगी टू से थ्री के बीच में होगी, नहीं यहाँ पे क्लोज इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल, वेरी सिंपल वे में, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है इसके बारे में, सबसे पहले क्या सोचोगे, अब देखो साइन इनवर्स ये जो भी है कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में, ठीक है, माइनस वन के प्लस वन के बीच में कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अब एक चीज़ तो ये है कि हमको दोनों इस पूरे को इसके साथ एक बार, इसको इसके साथ एक बार सॉल्व करके वहाँ से एक्स की वैल्यू को देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, जब हम बात कॉस एक्स की करते हैं तो कॉस एक्स जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है, दिस वन ऐसे चलता है चला जाता है, सिर्फ इसी को पकड़ लो, ठीक है, ये क्या है माइनस पाई बाई टू, ये क्या है प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू, ऐसे चलता चला जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है, ये किसके किसके बीच पे लाई करता है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही होगी, नहीं ये क्या होगी माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगी। अच्छा दूसरी चीज़, जब माइनस वन और प्लस वन के बीच में होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, टू से मल्टीप्लीकेशन करो तो माइनस टू और ये प्लस टू, यही होगा टू से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, थ्री थ्री माइनस टू वन होगा और फोर बाई वन क्या मिलेगा ग्रेटर देन जीरो, और मैक्सिमम पे थ्री प्लस मतलब नीचे वाले की मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ पूरे की नहीं, थ्री प्लस टू फाइव फोर बाई फाइव तो भी क्या मिलेगा फोर बाई फाइव, ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो ही है, ये क्या है ग्रेटर देन जीरो ही है। कुल मिला जुला के दोनों ही केस में आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो तो माइनस से तो ग्रेटर ही होगी, मतलब ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये इससे क्या है ऑलवेज ग्रेटर होगी। तो जब कोई चीज ऑलवेज होती है ना तो उसको कंसीडर नहीं करो बल्कि उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी इस पे टाइम वेस्ट करने से हमको कुछ मिलेगा नहीं, रिजल्ट वही मिलने वाला है कि, ठीक है।
तो बेटर है कि इसको कंसीडर ना किया जाए। मतलब ये ऑलवेज होता है कि माइनस जो होता है, माइनस जो होता है हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, ऑलवेज है ये वैल्यू पॉजिटिव वाली। अगर माइनस से हमें ये पॉजिटिव जैसे कोई वैल्यू है वो इससे हमेशा पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव वाले से हमेशा ज़्यादा होगी, तो ये हम उसको कंसिडर नहीं करते, हम लोग उसको उसके बारे में सोचते हैं क्या, कभी बात ही नहीं करते। जहाँ पे सम जहाँ पे हमें दिक्कत होती कि यार यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, ठीक है, जैसे कहीं x लिखा है तो आप कहोगे कि x तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, उसके बारे में कुछ सोचते नहीं। हाँ, अंडर रूट एम एक्स में है कि कहाँ है, तब आप फोकस करते हो कि x पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, उसी तरीके से अगर कोई चीज़ ये क्लियर है कि ये ऑलवेज होगी कंसिडरेबल है कि ये वैल्यू ऑलवेज इससे होगी, तो इसको सॉल्व करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं बनता। तो हमको फोकस किस पे करना है, इन दोनों पे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, निगलेक्ट कर दो, मतलब इस पे बात ही नहीं करोगे। तो फोकस करोगे किस पे, 4/3 प्लस 2 कॉस एक्स लाइक दिस वन। तो 4 ये हो गया 3, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1/2। नहीं, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है यहाँ से तो हमें कोई डाउट नहीं कि सर ठीक है जो कॉस एक्स हमको मिला है वो तो 1/2 से ग्रेटर है, ग्रेटर एंड इक्वल टू है, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमको एक्स की वैल्यू, बेसिकली हमको क्या देखना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, अब ये बताइए कॉस 60 पे, मतलब पाई बाई थ्री पे, नहीं पाई बाई थ्री से ऊपर वाली, मतलब इसके ऊपर वाली ही वैल्यू हमको ये वाली वैल्यू कंसिडरेबल है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस पाई बाई थ्री, यहाँ पे क्या होगा, प्लस पाई बाई थ्री। देखो सही तो है ना जी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा हमको, माइनस पाई बाई थ्री और ये प्लस पाई बाई थ्री बस, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको एक्स देखना है ना, तो माइनस ये तो 1/2 है, 1/2 से 1 के बीच में ये होगी वैल्यू। जो कॉस एक्स की बात करेंगे तो वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। लेकिन एक्स देखना है तो एक्स क्या हो जाएगा हमको, एक्स माइनस पाई बाई थ्री से प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है। ऐसे ही चाहो तो इधर वाला भी बना सकते हो, क्वेश्चन में जैसा दिया हो, हम बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे थे, दैट्स ये। तो डोमेन हमारा यही हो गया, दैट इज डोमेन, बना लो इसको, बहुत सिंपल है ये चीज़ें। जैसे करते जाओगे धीरे धीरे सब पकड़ में आ जाएगी कि कैसे हैंडल करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स 1/ अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है कि हाउ टू रिजॉल्व इट, डोमेन कैसे निकालेंगे। कुछ लोगों को मॉड जैसे दिखा तबीयत खराब हो गई, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इनको ब्रेक कर दो, कभी भी दिक्कत हो, ठीक है। आप कहोगे सर मॉड है तो जो भी इसके अंदर है वो कि एक बार ग्रेटर देन जीरो, एक बार जो भी है वॉट एवर कुछ भी है, आंख बंद करके, और एक आप ऐसे भी ले सकते हो इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब ये मॉड एक्स साइन जो भी है मॉड के अंदर वो अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन, देखो पहला टारगेट ये था कि कुछ लोगों के दिमाग में आ कि सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, ये जो एक्चुअली ये था, इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, नहीं ये क्या होनी चाहिए, ये जो भी सॉरी मॉड एक्स, तो ये जो भी वैल्यू है 1/√ जी एक्स है, तो जी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब जी एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो फिर वहाँ से क्या निकल गया कि पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब उसमें चूंकि मॉड है तो मॉड क्या बोलता है कि वट एवर कुछ भी है मॉड में, वो एक बार अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तब क्या मिलेगा, और लेस देन जीरो होगा तो क्या करेगा, और इक्वल टू जीरो होगा तो क्या करेगा।
वैसे खैर इन्हीं दोनों से ज़्यादा, लेकिन हमने एक 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 कदम आगे चल के थोड़ा देखें, देखते हैं क्या बनता है। अगर ये जो भी अंदर है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आप कहोगे सर 2 sin x ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब आप यहाँ से एक चीज़ तो पकड़ में आ गई कि साइन ऐसा लिख लो एक सेकेंड, नहीं यहाँ से आपको मिल गया कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। कुछ भी ना समझ में आया, गो टू द बेसिक, साइन का ग्राफ बनाओ। अपने को हर तरफ से देखना है किसकी बात कर रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैक्सिमम कितना होता है 1 तक और मिनिमम -1 तक। किसकी बात कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाला पोर्शन, नहीं कहाँ से कहाँ था, 0 से π या 2π से 3π, ऐसे करते चले जाओगे, ऐसे कहोगे ना, यहाँ से कहोगे एक्स दिस 0 से π, या कोई कहेगा नहीं सर ऐसे भी कर सकते हैं आर 2π से 3π, कोई कहता नहीं सर हम जो है 2n π से 2n+1 2n+1 π तक करके देखो सही आ रहा है कि नहीं। n की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये, सॉरी n की वैल्यू 0 लोगे तो ये मिलेगा, 1 लोगे तो ये वाला मिलेगा, सही है ना जी। एक सेकेंड, ये है ना जी 2n, और ये मिल गया हमको n, नहीं हाँ 2n+1 ठीक है। एक एक बार n की वैल्यू हमने 0 ली तो ये 0 1, और 1 ली तो 2π, और यहाँ पे 3π, सही है, अब सही है ठीक है। तो कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है हमेशा। ये तो हो गया इसकी हेल्प से, पहले वाले की हेल्प से डोमेन क्या होगा। अब देखते हैं दूसरे वाले की हेल्प से, अगर ये लेस देन 0 होगा तो क्या लिखोगे, -sin यहाँ पे +sin। अब यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन 0। अब ये बताइए ये तो 0 हो गया, ये पॉसिबल है कभी, ठीक है कि 0 > 0 कभी हो सकता है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा उसी तरह दूसरा वाला भी रिजेक्टेड है। अब 0 की वैल्यू यहाँ पे प्यूट करोगे तो mod 0 + 0, ये भी क्या है ठीक है। तो हमको सिर्फ ये मिला, तो डोमेन आपका क्या मिलेगा, तो डोमेन आपको मिल गया दैट इज, देखो कभी कभी क्या होता है 0 से, ये हम ये वाला इस वजह से लिखवा दिए कभी कि हो सकता है कि ये ना दिया हो ऑप्शन में, 0 से π ना देके 2π से 3π दे दे, या कुछ इस टाइप का दे दे, या n की वैल्यू जैसे 5 ले ले तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10π से 5 2 जा 10+1 11, 10π से 11π के बीच में दे दे ऐसे वैल्यू ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल दोनों जगह, तो दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है। ये तो n दिस इक्वल टू 0 पे वैसे बना सकते हो अपने हिसाब से ठीक है, बना लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता करते हैं, साइन एक्स वाले पे ही बेस निकाल के देते हैं ठीक है। देखो √1/2 sin x - 1 ठीक है, हाउ कैन रिजॉल्व इट, क्या देखना है, जो भी है क्या होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है वैसे, क्या है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है 1/2, प्लॉटिंग किया तो ये हमको मिला लाइक दिस वन दिस वन, ऐसे बनता चला जाएगा ठीक है। 1/2 से ज़्यादा, 1/2 से ऐसे बना दोगे, 1/2 का मतलब π/3 π/6, ये हो जाएगा π/6, और ये क्या होगा π - π/6, तो π - π/6 ये क्या है π, ये 2π, आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो ऐसे 2π + π/6
जो बी वन है, और यहाँ पे भी उसी तरीके से क्या होगा, 3π माइनस पाई बाई सिक्स, ये क्या है 3π, ठीक है। तो ऐसे करते चले जा सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ इसे फोकस करना चाहते हैं। तो ये कितना जाएगा, 5π/6, दैट इज 5π/6, ठीक है। तो आपको x क्या मिलेगा, सिंपली पाई बाय सिक्स से 5π/6 के बीच में, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये वाले इस पोर्शन की बात हो रही है ना, ये कितना है 1/2 से 1 के बीच में। तो हमको ऊपर वाला पोर्शन देखना है, नीचे वाले से मतलब नहीं। तो वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स, अंडर रूट कर दो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताओ, ये क्या होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, अब देखो पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये तो कहोगे कि सर यहाँ से क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसे बोला था कि अगर मान लो ये फंक्शन अंडर रूट एक्स होता, तो आप क्या बोलते कि सर एक्स जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, जो भी है 0 से इनफाइनाइट, ये कहोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और एक्स के बारे में क्या ख्याल है, अगर सिर्फ एक्स होता कहीं तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो फाइनल आंसर दोनों का यूनियन लोगे, सॉरी इंटरसेक्शन लोगे, तो यही मिलेगा। हम इसके बारे में बात ही नहीं करते कभी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये तो सबके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। लेकिन अब उसी तरीके से अब की बार क्या आ गया कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, बोला है कि ग्रेटर देन 0, इस क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला है कि ग्रेटर देन 0 होगा। और साइन इनवर्स एक्स के बारे में हमको पता क्या है, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं साइन इनवर्स एक्स क्या कहता है। हम तो साइन इनवर्स एक्स जो है की बात करें तो ये किसके किसके बीच में होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, एक्स की वैल्यू वन से माइनस वन से प्लस वन के बीच में जाती है। लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो ये कहेगा कि साइन इनवर्स एक्स तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ही होता है, ठीक है। अगर एक्स की बात करेंगे तो माइनस वन से प्लस वन, ये हम जानते हैं कि इसकी रेंज इससे न इधर हो सकती है न उधर हो सकती है, ठीक है। अब ये बोलता है कि हम तो ये होते हैं, और ये कहेगा हम ये दोनों का ऐसे बनाओ, अगर साइन इनवर्स एक्स ये माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू, ये जीरो, ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो ये बताइए, माइनस ये बोल रहा है कि हम तो इस वाले को एक्सेप्ट करेंगे, ये बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग 0 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फाइनेट तक, नहीं कहाँ पर राजी हुए, 0 से पाई बाई टू के बीच में। तो फाइनली हमको मिला कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 0 से पाई बाई टू के बीच में ही होगा, ठीक है, 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पे डॉट। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन व्हाट अबाउट एक्स, एक्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से 1 0 से 1। तो आप कहोगे कि सर ये हो गया 0 और ये हो गया 1, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर कि 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, नहीं इधर ना उधर उसके, ठीक है, बना लो इसको। इसी से मिलता जुलता एक और ले लेते हैं, डोमेन निकालना है साइन इनवर्स आपकी बात 2x प्लस पाई बाई टू कर दो, ठीक है। अब आप क्या कहोगे इसके लिए, इसको कहोगे कि सर साइन इनवर्स जो 2x प्लस पाई बाई टू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा, अच्छा इसको थोड़ा सा चाहो सॉल्व कर लो, 2x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू, ये कहोगे आप, आपके हिसाब से एक चीज़ तो मिल गई कि इक्वेशन नंबर 1 आपका कोई ठीक है। दूसरा,
अब और कि हम जानते हैं क्या, ये हटा देते हैं पूरा, हमको एक चीज़ और मिल गई यहीं से, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कि भाई अगर यहाँ पे साइन इनवर्स इस टाइप का आ गया तो आपको कि साइन इनवर्स वट एवर जो भी है 2x, साइन इनवर्स 2x जो होगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब ये दोनों भाई दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा उसे पकड़ेंगे। ये बोल रहा है माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक जाना है, तो माइनस पाई बाई टू और ये प्लस पाई बाई टू, ये हमेशा याद रखना। ये जो प्लॉटिंग कर रहे हैं साइन इनवर्स 2x की, ठीक है, समझने के लिए। अब ये बताओ, ये बोलेगा माइनस कहाँ से, इधर से आ रहा है इधर की तरफ, ठीक है, नहीं क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर का मतलब ये कह रहा है इसके आगे की तरफ, नहीं माइनस पाई बाई टू से आगे की तरफ जा रहा है, और जबकि ये बोल रहा है कि हम तो सर इनके यहाँ पे डॉट, इनके करस्पॉन्डिंग ये बोल रहा है कि सर हम तो यहीं रहेंगे, नहीं ये बोल रहा है कि हम तो यहीं रहेंगे। तो फाइनली हमको क्या मिला इन दोनों पे देखो, तो हमको क्या मिल रहा है, एक सेकेंड, हमको क्या मिल रहा है कि साइन इनवर्स 2x माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ही होगा, नहीं। तो अब हम यहाँ से क्या सोच सकते हैं कि ठीक है, यहाँ से हमको एक चीज़ निकल के आ सकती है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, माइनस पाई बाई टू है, ये ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसा करो पाई बाई सिक्स कर दो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तब ज़्यादा सही है, हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये क्या है, माइनस पाई बाई सिक्स से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस पाई बाई सिक्स कहाँ होगा, यहाँ, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब जब आप इसको देख रहे हो तो आप कहोगे कि सर ये तो बोल रहा है कि हमको ये वाला पार्ट होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि सर हमको ये वाला पार्ट होना चाहिए, तो बात किसकी मानेंगे, ये इस वाले पोर्शन की। तो हमको साइन इनवर्स 2x पाई बाई टू से इसी के बीच में होगा। अब क्या करो, साइन ले लो, ठीक है, तो साइन पाई बाई सिक्स किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, माइनस वन बाई टू, ठीक है, और ये किस 2x, और ये कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई फोर, और ये कितना हो जाएगा 1/2। तो फाइनली x क्या मिला हमको, माइनस वन बाई फोर से 1/2 के बीच में, तो दैट इज डोमेन, ये हो गया आपका डोमेन, पॉइंट टू बी नोटेड। सिंपल सी बात है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, हमको ऐसा करना है क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भी होना, अच्छा थोड़ा मन लगे, वही सेम सेम। तो यहाँ से क्या मिला, ग्रेटर देन जीरो, तो सिंपली ऐसा कर दो फिर, चूंकि हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पे लिखा हो वो तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो सिर्फ माइनस टू एक्स की बात करें तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा, चूंकि हमको पहले साइन इनवर्स एक्स पे निकालो फिर इसके आफ्टर दैट उनको एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो हमको इन दोनों के हेल्प से हमको फाइनली ये मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका और इसका दोनों का डोमेन इंटरसेक्शन किया, तो इंटरसेक्शन से ये मिला, फिर उसकी हेल्प से हमने क्या किया, एक्स निकाल लिया, बना लो इसको।